हेलो गाइस, वेलकम टू यश ब्लॉग्स। और आज आपका भाई आया है गिल्बर्ट हिल, और ये हिल 66 मिलियन ईयर्स पुराना हिल है। पहले अपन ऊपर मंदिर जाएंगे, फिर अपन नीचे जाएंगे बारीकी से देखने के लिए। और ये इस जगह को बिल्डर ने तोड़ने को भी देखा, पर कोई परमिशन नहीं मिला, क्योंकि ऊपर है ना मंदिर है एक, और ओवरऑल तो मुझे सही दिख रहा है जगह। चलो अभी हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे। यहाँ से व्यू देखो, यहाँ पर देखो ये ना, ये शाइन बहुत कर रहा है ये पत्थर। यहाँ का बना चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से अपन ऊपर जाने वाले हैं। वहाँ पर जो आपको झंडा दिख रहा है उधर मंदिर है। यहाँ से फर्स्ट अपना चढ़ा, फिर अपन इधर। अभी हम यहाँ से चढ़ के, और देखो वहाँ पर वो जो मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ पर अपन जाएगा। मैं उधर डायरेक्ट उधर ही मिलेगा। इधर इतना सीढ़ी है ना इस मंदिर को, चढ़ते चढ़ते पैर के लग गए। वहाँ पर मैं देखो मंदिर आ चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये देखो मंदिर, और ये जगह बहुत मस्त है। यहाँ से व्यू भी बहुत मस्त आ रहा है, पर चढ़ते चढ़ते वाट लग गए। मुझे लगा कम सीढ़ी होगी, देखा तो बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, वाट लग गई पैर की। मंदिर का दर्शन मैंने कर दिया है। मैं मंदिर में शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे मंदिर में तो जमता नहीं है, कंफर्टेबल नहीं लगता मोबाइल यूज़ करने को, तो इसलिए मैंने उधर शूट नहीं किया। और यहाँ से व्यूज़ बहुत औसम आ रहे हैं, आपको सब व्यू दिखाने वाला है। पीछे इसका मेन एंट्रेंस वो नहीं है, वो था गाँव देवी दुर्गा माता मंदिर। तो मैंने वहां से भी जो व्यू दिखाने वाला था वहां से, तो अभी यहाँ पर भी पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, यहाँ से उधर तक पूरा चार बाजू से व्यू तो एकदम सही। नीचे देखो गार्डन है, वहां पर तो वो मेट्रो जाती हुई, और वहां पर तो पूरा अंधेरी ईस्ट दिख रहा है। सो ये है अंधेरी का स्लम एरिया, और वो है अंधेरी का प्रॉपर पॉश एरिया। और ये जो आगे का देख रहे हो, यहाँ पर आगे लोखंड वाला गोवा घाट को ऊपर, ये सब पूरा अंधेरी है ना, आपको इस हिल से दिख जाएगा। ऊपर का तो आपको दिखा दिया, अभी आपको नीचे का दिखाने वाला हूँ। गिल ये जो आप देख रहे हो ना, ये माउंटेन्स के एजेस, और ये नेचुरल एजेस है। आपको लगता होगा ये माउंटेन को देख के क्या इसको BMC वालों ने बुलडोजर मारा है, नहीं तो बिल्डर ने तोड़ने की कोशिश किया, पर कोई कोशिश नहीं की है, ये प्योरली बना ही ऐसे है। आज मैं इस तुषार शिंदे के साथ ही कोलैब करने वाला हूँ। आज हमारे साथ होगा यश दूरी का चैनल का कोलैब। सो अभी हम लोग जाते हैं नीचे, और नीचे जाने के बाद जो उसके बचे हुए रॉक्स रहते हैं, रॉक्स मीन्स पत्थर, हिंदी में पत्थर, वो मैं आपको बताता हूँ। वो भी 66 मिलियन ईयर्स पुराना ही है, और जैसे गिरा था वैसे का वैसा ही है, कोई भी उसको अभी तक हिला नहीं पाया है। और देखते हैं डायरेक्ट सामने ही है मेरे, बताता हूँ आपको। सो दिस इज द रॉक, यश कंटिन्यू। अरे ये देखो, ये जो रॉक गिरा है ना, ये ऊपर लैंडस्लाइड की वजह से ही गिरा, और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये मेटल का ये लोग ने फेंस किया है कि ताकि ये गिरे ना। ये मेटल का, अब रो देखना, मेटल का ही है ये, नक्की मेटल है। और ये जो आपको ये देखो, यहाँ पर देखो कैमरा मैन साहब आ गया ये, और यहाँ पर देखो ये प्योर कट लगे दिख रहा है, ये कट प्योरली 100% नेचुरल है। आपको ये जो जितने भी कट से वो सब प्योर, कोई इसको छेड़खानी किया नहीं है गवर्नमेंट ने भी। कट्स दिखाता हूँ आपको, एकदम शार्पी कट्स है, एकदम शार्प, सुपर शार्प कर्व, दो कट्स तो है ब्रो, एकदम धारे रे, एकदम धार धार वाले अभी मेरे। और अभी मैं नीचे जाके आया, अगर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र का कोई देख रहा है ना, तो इस जगह को प्लीज प्रमोट करो, ये जगह बहुत अच्छा है, अंडररेटेड जगह है, ज़्यादा किसी को पता भी नहीं। ऐसे अजूबा को आप प्रमोट जितना करोगे ना, उतना अच्छा है। इंडिया का भी
टूरिज्म के मामले में और बढ़ेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक, दिल से पसंद आता है ना तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप ऐसे पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिसको ये टाइप के नॉलेज में इंटरेस्टेड हो, और नीचे कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में कैसा बना क्या है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है।